आज अपने निको को भाई पूरा रॉकेट बनाएंगे इंजन को। पूरा इंजन भाई रॉकेट बन चुका है भाई। अभी एंटॉक रेस एक्सपी 125 का होगा। स्कूटर, गियर ऑयल, तेल एडवांस का मोबिल लिया हमने एंड इंजन शैम्पू लिया से। तो कैसा है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फुल ब्लैक। तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे गाइस। तो आज हमारे निको का ऑयल चेंज का टाइम हो गया, इंजन ऑयल चेंज करने का। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कौन सा ऑयल बेटर होगा हमारे स्कूटी के लिए। तो हमारा स्कूटी का नाम है एंटॉक रेस एक्सपी 125, जो कि बहुत बढ़िया रेसिंग स्कूटी है। अभी सोच रहे हैं भाई मोबिल का इंजन ऑयल डलवाए या मोटुल का इंजन ऑयल डलवाए, और एक इंजन फ्लश भी हमें खरीदना है। अगर मिल जाएगा इंजन ऑयल तो बहुत बेहतर होगा गाइस। तो तुम लोग भाई बताओ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। एंड इस बड़ी भाई मैं शोरूम से अपने इंजन ऑयल चेंज भी नहीं करवाने वाला हूँ और अपने स्कूटी को सर्विस भी नहीं करवाने वाला हूँ। उसका आंसर भाई आपको आई बटन के लिंक पे मिल जाएगा, मैं क्यों नहीं करवा रहा हूँ। तभी मैं इंजन ऑयल बाय करूंगा मार्केट से, बाय करके जो मेरा क्लोजेस्ट गैराज है भाई वहाँ जाके पूरा चेंज कराऊंगा, फुल सर्विस कराऊंगा एंड बताऊंगा भाई इंजन ऑयल चेंज करने के बाद कैसा परफॉर्मेंस हमारा स्कूटी दे रहा है और कैसा स्कूटी हमारा परफॉर्म कर रहा है। तो चलो गाइस अभी निकल जाते हैं, बहुत लेट हो गया। अभी करते हैं अपने रेडबुल को साइड। निकलता है निको को, बहुत गंदा हालत धो के रखा है। अभी देख सकते हो गाइस बहुत ही गंदा हालत धो रखा है, मिट्टी फिट्टी लग के एकदम जहर। अभी इसका इंजन ऑयल चेंज करेंगे, इसको फुल सर्विस करेंगे। चलो गाइस निकलता है। चलो अभी अपने स्कूटी को कर लेते हैं स्टार्ट और अभी निकलते हैं। मिड रोड में मैंने शुरू किया है एंड मेनली गाइस अभी इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट में दिखाएंगे आप लोगों को कि आप लोगों को भाई देखने में बहुत प्रॉब्लम ना हो। एंड अभी तो व्लॉगिंग पे हमारा चैनल अपडेट हो गया, आप लोग हमारे व्लॉगिंग चैनल पे लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं, कुछ भी नहीं करते हो तो गाइस सब्सक्राइब करो, एक तो सब्सक्राइब करो भाई। वीडियो करने में बहुत एक्सपेंसेस चला जाता है, थोड़ा तो हेल्प कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी। अभी तक 2K सब्सक्राइबर हिट नहीं कर पाए हम, जल्दी से जल्दी हमारा 2000 सब्सक्राइबर हिट करवाओ। इधर से अपना इंजन ऑयल लेंगे और कुछ इंजन फ्लश वगैरह हो तो लेते हैं। शेल शेल 1030 इंजन ऑयल ले रहे हैं अपने निको के लिए, मेनली ढूंढ रहे इंजन फ्लश भाई। इंजन फ्लश हमें अंकल एंटॉर्कर इंजन फ्लश है तो एक कत दाम आज काकू। सो भाई ये कैस्ट्रोल का इंजन शैम्पू है, आप लोग देख सकते हो। हेल्थ मेंटेन इंजन पावर एफिशिएंसी विथ पीसीए पावरफुल 300 ml। एक्सपायर ना तो काकू? अच्छा 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 एक्सपायर है ना मालगुलो, तो हमने खरीद लिया एक काकू। ওই 120 ml এর ওইটা দাও, এইটা নিলাম। হ্যাঁ আরে শেল ছাড়া আর কিচ্ছু নেই, এটা সত্যি ভালো ভাই, এর উপর ভালো বলে কিছু নেই। ভালো হবে তো আঙ্কেল, এটা এর উপর কোনো ভালো বলে কিছু নেই আর এই শেলটা ভালো হবে তো কাকু? একদম এটার উপর কোনো মুভিল নেই, ওতে বিশ্বের এক নম্বর কোম্পানি, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় কোম্পানি হচ্ছে। আচ্ছা ক্যামেরা দাদু ভাই, ক্যামেরা এই ক্যামেরার কি চার্জ এখন? ভিডিও ইউটিউবের জন্য আমরা এ করি, ইউটিউবে ভিডিও করি, ইউটিউব ইউটিউব বলে যে অ্যাপ্লিকেশন আছে ওতে ভিডিও করি। ভিডিও করে পাঠাও। স্কুটার ও গিয়ার অয়েল, শেল অ্যাডভান্স কা মোবিল লিয়ে হামনে এন্ড ইঞ্জিন শ্যাম্পু লিয়ে, আবি এ তিনো আপনে স্কুটি মে ডালওয়াতে হ্যায়। চলো আ চুকে আমারে গ্যারেজ পে, আবি কাম কা লেতে আপনে স্কুটি কা। চলো 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 চলো। एक भाई पीछे बैठा है, प्रेशर लगा के बैठ, सामने ग्रीस हो रहा है मेनली। आज अपने रानी निको को भाई ले जाएंगे एकदम रानी की तरफ। ये जो इंजन शैम्पू है कैस्ट्रोल का, तो अभी 80 ml इसमें डाला जाएगा, बहुत ठीक है, विशाल मोटा है लेयर। तो ये हमने 80 ml ले लिया गाइस, तो अभी इसको डालते हैं अपने ओल्ड इंजन ऑयल में। जिधर से आप इंजन ऑयल डलवाते हो उधर से ही इसको डलवाना पड़ेगा भाई। तो चलो, तो हमारा पूरा जो इंजन फ्लश है हम डाल चुके हैं, अभी हमारे स्कूटी को स्टार्ट करने का टाइम आ गया। पिकअप नहीं देना, जस्ट स्टार्ट करके भाई रख देंगे हम अपना स्कूटी। तो हमारा हीरो हमारा एंटॉक स्टार्ट कर रहा है, हो गया 10 मिनट भाई रखना है आप लोगों को। तो अभी मोबिल ड्रेन करने का टाइम आ गया, देखते हैं अपना मोबिल का हालत क्या है। अबे भाई पूरा इंजन ऑयल का कलर देखो भाई, पूरा ब्लैक हो चुका है। तो अभी कुछ इस तरह हमें देखने को मिलता है भाई,
बहुत ही गंदा मोबिल का हालत है, गंदा हालत होके रखा है भाई मोबिल। पहले इंजन को ठीक तरीके से क्लीन करो। आप लोग देखो फारूक दिखा रहा है आप लोगों को। देख रहे हो इंजन, जो ओल्ड इंजन ऑयल है वो ऊपर से निकल रहा है। तो प्रॉपर तरीके से अपने जो ओल्ड इंजन ऑयल है उसको पहले क्लीन करो, फिर नया इंजन ऑयल डलवाओ। इससे आपका इंजन भी अच्छा रहेगा और स्मूथनेस वैसा का वैसा ही रहेगा भाई, नया रहेगा भाई। इंजन फ्लैश डलने के बाद जो मोबिल निकला है नीचे से वो कैसा है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो भाई रे भाई, फुल ब्लैक, फुल ब्लैक भाई, फुल ब्लैक पूरा निकल गया। मतलब जो डेड पार्टिकल थे इंजन के अंदर पूरा आज क्लीन हो गया। तो अभी पूरा 800 ml नहीं डलेगा इसके अंदर, 750 या 700 ml डलेगा इसमें। डालने का कोई झंझट ही नहीं, जस्ट घुसा हुआ एंड डाल दो। मेन चेंज होगा इसका गियर ऑयल, इधर आपको देखने को मिलेगा 120 ml लिखा है। तो ये इधर से इनपुट होगा। कैसे होता है भाई ये गियर ऑयल इनपुट भाई मैं लोगों को दिखाता हूँ। नीचे का नट है ड्रेन करने का, ये गियर ऑयल है नया है। फारूक है आज हमारा मेन हीरो, तो यही सब काम करता है मेरे स्कूटी का भी। चलो अभी इंजन ऑयल चेंज करवा लिया, इंजन फ्लश डलवाया था, अभी गियर ऑयल चेंज कर लिया और पूरे जो स्कूटी है भाई स्कूटी को फुल सर्विस करा लिया अच्छे से, सामने ग्रीस वगैरह सब कुछ करवा लिया। अभी हमारा स्कूटी एकदम नया हो चुका है। अभी इसके टेस्ट राइड लेंगे और फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कैसा परफॉर्मेंस हमारा स्कूटी हमें दे रहा है। मैं आप लोगों के साथ एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँ भाई। तो पहले जब मैं लाया था इधर तो कुछ अलग चल रहा था, अभी कुछ अलग चल रहा है। मतलब कुछ तो डिफरेंस मुझे मालूम हो रहा है इंजन स्मूथनेस के ऊपर भाई, बहुत कुछ मालूम हो रहा है। मतलब जो इंजन स्मूथनेस है वो पहला अलग था और अभी पूरा अलग है। तो गाइस चलो भाई इसको थोड़ा खींचते हैं, फिर मालूम पड़ेगा कैसा चल रहा है। चलो वाओ 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 मैन वाओ। सो नाइस, दैट्स ऑसम फीलिंग इन एनटॉक। देखो भाई एनटॉक पहले जो आता था और इसके बाद जो आया है वो अलग है। मतलब एनटॉक रेस एक्सपी कुछ अलग है। देखो एनटॉक रेस एक्सपी ऐसा वेरिएंट है कि सबसे अलग है। मतलब जितना भी स्कूटी आप लोग देखते हो, स्कूटर आप लोग देखते हो, सबसे अलग है। मतलब एग्जॉस्ट का साउंड बहुत ज़्यादा है और स्कूटी से, तो एनटॉक रेस एक्सपी हर टाइम ट्रेंड में ही रहता है। इसलिए देखो मैं आज भी एनटॉक का वीडियो छोड़ता हूँ तो आज भी ट्रेंड में जाता है। एनटॉक रेस एक्सपी को पसंद करने वाले लोग बहुत है। तो करीब करीब मेरे ये सब चीज़ में 1000 rupees निकल गए, 1100 rupees निकल गए। बड़ी बात नहीं है भाई, स्मूथनेस मज़ा जो है वो सबसे बड़ी बात है। तो एकदम टाइट फिट लग रहा है, मतलब चला के कोई ऐसा फीलिंग नहीं हो रहा है कि एक साल पुराना स्कूटी में चला रहा हूँ। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने के दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को कर देना लाइक। सो गाइस चलो आज वीडियो को एंड करते हैं यहीं तक। मिलते हैं गाइस आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।